डिजी लॉकर एक सरकारी लॉकर है। इस लॉकर में आप सरकारी की तरह ही हर एक आईडी या कोई पेज आप इसमें रख सकते हैं। इसमें कुछ इशू किया हुआ भी आपको जो है पीडीएफ मिल जाता है, जैसे डीएल हो गया या फिर वोटर आईडी कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया या कोई सर्टिफिकेट हो गया, मैट्रिक इंटर कुछ भी इसमें इशू किया हुआ रहता है, पहले से मौजूद रहता है, उसको भी इससे निकाल सकते हैं। या फिर डिजी लॉकर में आप कोई भी एप्लीकेशन या किसी भी आईडी को इसमें रख भी सकते हैं जो आपके बहुत काम आता है। यह सरकारी की तरह ही होता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और इसमें जो है आप गाड़ी का पेपर लेके नहीं निकले हैं तो इससे आप जो है ना निकाल के इसको दिखा देंगे तो आपका चलान नहीं कटेगा। तो यह बहुत ही यूज़फुल होता है। इसको रजिस्टर कैसे करते हैं और इसमें इशू किए हुए डॉक्यूमेंट को कैसे देखते हैं और इसमें अपलोड कैसे करते हैं, आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद डिजी लॉकर जैसे ही लिखेंगे, डिजी लॉकर लिखने के बाद आप जो है इसमें डिजी लॉकर में जाने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ गेट स्टार्ट पे आप देख रहे हैं, गेट स्टार्ट यहाँ दिख रहा है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ साइन इन का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका साइन इन किया हुआ है तो आप यहाँ जाके साइन इन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इसके आ रहे हैं तो यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ नाम, डेट ऑफ बर्थ जो आधार पे नाम है उसको डाल दें, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दें, मेल या फीमेल जो भी है अपना मोबाइल नंबर डाल दें और 6 अंक का पिन आप यहाँ जनरेट कर लें। उसके बाद ईमेल आईडी डाल दें और आधार नंबर भी डाल के यहाँ सबमिट करेंगे तो जो है आपका साइन इन हो जाएगा। मेरा यहाँ पहले से साइन इन है तो मैं यहाँ लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन कर लेने के बाद आपको इशू डॉक्यूमेंट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो भी डिजी लॉकर में के थ्रू आपका जो है जैसे आधार कार्ड है मेरा, यहाँ एलपीजी गैस का जो कनेक्शन हम लिए हैं वो भी यहाँ शो हो रहा है, पैन कार्ड भी यहाँ शो हो रहा है, मेरा एक गाड़ी है, गाड़ी का ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ शो हो रहा है, आधार कार्ड मेरा यहाँ देख सकते हैं ओरिजिनल की तरह ही मान्यता है इसका। अगर आप कभी नहीं आधार कार्ड नहीं लेके जा सके तो इसको रख लेने के बाद अगर आप इसको जो यूज करते हैं तो ये आधार कार्ड जो है ओरिजिनल की तरह ही मान्यता है इसका। उसके बाद यहाँ आधार कार्ड के बाद एलपीजी गैस का कनेक्शन भी आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने यहाँ कनेक्शन किया हुआ है सब कुछ। उसके बाद यहाँ पेन भी है, ओरिजिनल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। जो कि आप यहाँ और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं जैसे मैं स्कूल का हूँ, जैसे यहाँ मैं कोई स्कूल का मैट्रिक का मैं यहाँ मार्कशीट या एडमिट कार्ड अगर लोड करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप डायरेक्ट ही सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं। बिहार बोर्ड से भी मैं स्टेट बोर्ड का जो है जो भी आप जो है सर्टिफिकेट या एडमिट कार्ड कुछ भी यहाँ से लोड कर सकते हैं और यहाँ सामान्य प्रशासन के विभाग का भी कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ मिल जाता है, यहाँ लेबर का स्वास्थ्य मिल जाता है, यहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट
से मार्कशीट भी आप यहां से निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कुछ भी जो है लोड करना चाहते हैं यहां, जैसे NIOS का है, यहां से NIOS से अगर आप कोई मैट्रिक इंटर कुछ कर रहे हैं तो यहां से उसका ये भी मार्कशीट वगैरह यहां से निकाल सकते हैं। LIC का भी यहां दिया हुआ है, LIC पॉलिसी, अगर कोई आप इंश्योरेंस करवाए हैं तो यहां से उसका डॉक्यूमेंट भी निकाल सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, यहां से आप कुछ भी रख सकते हैं, ये सरकारी की तरह ही काम आता है। और मैं यहां एक बात बता दूं, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट को यहां रखना चाहते हैं, अगर यहां पर भी डॉक्यूमेंट सेफ रहे तो उसमें जो है आप सेफली यहां से थ्री डॉट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहां आप देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट में आप यहां जो है तीर के आइकन को यहां देख सकते हैं, तीर के आइकन को जैसे ही यहां क्लिक करेंगे, यहां लो करके यहां फाइल जो है इस तरह आप फोन से डॉक्यूमेंट को यहां आप रखना चाहते हैं। मैं जो है कुछ भी यहाँ से, जैसे मैं ये एक इमेज है इसको मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से इसको अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड करने के बाद आप यहाँ नीचे में देख सकते हैं, यहाँ जो है आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अगर आप कभी भी इसको निकालना चाहते हैं तो जैसे ही इसको टाइप करेंगे यहाँ कुछ मिलेगा और यहाँ जो भी है अपलोड हो जाएगा। यह बहुत ही अच्छा है और यहाँ से आप जो है प्रोफाइल को